साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में, आज का जो ये वीडियो है ये पार्ट टू होने वाला है नंबर सिस्टम का। पार्ट वन में मैंने सारे कॉन्सेप्ट नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट का बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो वॉच कर ले, तब आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आएंगी। और इस वीडियो का मतलब ये है, उद्देश्य ये है ये वीडियो बनाने का, जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट वन वीडियो में बताया है उन कॉन्सेप्ट के आधार पे आज मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 10-12 क्वेश्चन मैं आज इस वीडियो पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपका सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हमको कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में अप्लाई करना है। वो मैंने एग्जांपल के द्वारा कल भी समझाया था और आज तो पार्टिकुलर उसका सेशन चल ही रहा है। तो आज पिछला वीडियो में पार्ट वन में मैंने एक टॉपिक छोड़ा था फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का जो टॉपिक छोड़ा था उसको आज मैं 10 मिनट में पहले इसको कंप्लीट करूंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे, मूव करेंगे और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करेंगे, तभी आपको क्लियर समझ में आएंगे। जरा देखिए फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होता क्या है। कल मैंने बताया था कि जैसे 4 फैक्टोरियल है तो इसका मतलब यह है 4 × 3 × 2 × 1, जितना भी फैक्टोरियल होता है वो वहां से स्टार्ट होकर के 1 तक मल्टीप्लाई होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो देखिए 4 फैक्टोरियल जो है, मैं क्या एक बार डिविजिबिलिटी बताइए कि 24 जो है वो 6 से डिवाइड है, डिविजिबल है कि नहीं है। यानी कि आप कहेंगे सर देखिए 24 जो है वो 6 से पूरी पूरी तरह कट जाता है 4 बार। यानी कि नीचे वाली संख्या अगर पूरी तरह से कट जाती है ना, नीचे वाली संख्या अगर पूरी तरह से कट जाती है तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है ये 0 आएगा। क्लियर, नीचे वाली संख्या अगर पूरी पूरी कट गई तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। चलिए एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने पार्ट वन के वीडियो को अच्छे से नहीं देखा, क्योंकि बेसिक आधारभूत जो नॉलेज है वो वहीं पे हम बताए हुए हैं ताकि आप पहले उस चीज को सीखें उसके बाद इधर आए। तो देखिए अगर मैं बोलूंगा सर ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये जो 4 है और 4 पूरी नीचे वाली संख्या पूरी पूरी कट गई, इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1। कहेंगे सर इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 पूरी तरीके से कट जाएगा, तो इस केस में भी रिमाइंडर 0 आएगा। बच्चे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी कोई भी संख्या का फैक्टोरियल अगर हो तो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यह स्टेटमेंट मैंने पार्ट वन वीडियो में लिखवाया है, आपने अगर नहीं देखा तो पहले पार्ट वन वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करें। अगर यहीं पे हम बात करें अगर 6 फैक्टोरियल का, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये भी 4 से पूरी पूरी तरह से डिविजिबल है, क्योंकि नीचे वाला नंबर 4 से कट गया है, तो ये इस केस में भी रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा और अगर हम इसमें डीप जाएं, तो डीप जाने के लिए हमें करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे जो है 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24 और 24 को 1 से गुना करेंगे तो 24 ही आएगा। तो 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा पूरी तरह से 6 बार में, यानी कि इस केस में भी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, क्योंकि नीचे रिमाइंडर 0 तब आता है जब नीचे वाला नंबर, नीचे वाली संख्या जो आपका हर का नंबर है, फ्रैक्शन में हर कहते हैं, तो ये जो हर का जो नंबर है ये पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तब हम कहते हैं कि इस केस में रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आई होंगी। अब इसको हम इरेज करेंगे और थोड़ा सा इसमें जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और मैं कहता हूँ कि ये जो फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत दिक्कत होता है बच्चों को समझने में, लेकिन आप इस वीडियो पे बने रहिए। आपको 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज के बाद फैक्टोरियल का किसी भी सवाल में आप फंसेंगे नहीं। चलिए इसको मिटाते हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थ्री का पावर 26 फैक्टोरियल। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हम लोग यूनिट डिजिट ही पढ़ रहे हैं ना, तो 3 का पावर है 26 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक गलती नहीं कीजिएगा, 26 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड नहीं करना है। मैंने वहां पे लिखवाया था, ये बात सही है कि तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे पावर में 26 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल ऐसे डिवाइड नहीं होगा 4 से। कैसे होगा तो ध्यान से देखेंगे। 3 का पावर ये होगा 26 इंटू 25, 25 इंटू 24 इंटू 23, और ये डॉट 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 मल्टीप्लाई होकर के आपका जाएगा 1 तक। यही होता है फैक्टोरियल का मतलब। अब पावर को हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 4 से 24 जो है वो कट जाता है 6 बार में पूरी तरह से, और नीचे वाली संख्या अगर पूरी तरह से कट गई तो इस केस में भी हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और मैंने लिखवाया था जब भी पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए तो इकाई अंक के पावर को हम 4 लगा देंगे। यह स्टेटमेंट मैंने पार्ट 1 वीडियो में लिखवाया हुआ है। तो इकाई अंक की पावर अगर हम 4 लिखा देंगे, और ये जो है इकाई अंक की पावर 3 का पावर 4, इसका वैल्यू होता है 81। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 81 में जो यूनिट डिजिट है ये 1 है हमारा, यानी 1 जो है ये आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं आता है ना तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 का पावर 4 है, इसका मतलब होता है कि 3 को 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, और आप बेसिकली यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं तो आपको केवल और केवल यूनिट डिजिट में ही ध्यान देना चाहिए। तो देखिए 3 3 9, 9 3 27, और इसका भी यूनिट डिजिट 7 3 21, यानी यूनिट डिजिट कितना आ गया? 1 आ गया, और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आए होंगे। तो जब कभी भी पावर में फैक्टोरियल रहेगा तो पहले हम उस मान लीजिएगा कि 4 और 4 से बड़ा, 4 और 4 से बड़ा जो जब भी फैक्टोरियल आएगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो यूनिट डिजिट का पावर हम 1 लगाएंगे। कितना लगाएंगे? 1 लगाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 43 का पावर 63 फैक्टोरियल। आपने जैसे देखा सर ये तो 463 फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, इसका मतलब 4 से ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। अब पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, इससे मतलब है। तो 3 का पावर हम 4 रखेंगे और ये आएगा 81, और 81 का भी यूनिट डिजिट हमारा प्यारा सा आंसर होगा 1। क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं हम लोग 69। 69 का एक बड़ा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। 69 का फैक्टोरियल जो है, 69 का जो पावर है ये 322 फैक्टोरियल है। आपने देखा सर हमको केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, और ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल है, ये 4 से कट जाएगा, रिमाइंडर आएगा 0, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो हम यूनिट डिजिट के पावर में 4 लगाएंगे। क्लियर, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है, और 9 का पावर 4, और इसका मतलब होता है 9 × 9 × 9 × 9, यानी कि 9 9 81, और एक को आप गुना कीजिए 9 में तो आ जाएगा 9, और फिर से 9 9 81, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आंसर आ चुका है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में समय को बचाते हुए आप इस प्रकार से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल का जो प्रश्न है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक फैक्टोरियल दिख रहा नहीं दिख रहा ना, जरा ऊपर लिखते हैं। एक फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और प्लस ये डॉट 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 करके आएगा आपका 100 फैक्टोरियल तक। ठीक है, 100 फैक्टोरियल तक। सर आप कहेंगे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, 3 फैक्टोरियल का मतलब, बच्चे मैंने बताया था कि 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होगा, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2 ही होगा,
तीन फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 यानी कि 6 होगा, 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24 यानी कि ये होगा 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 × 4 × यहाँ पे 5 फैक्टोरियल भी है, 3 × 2 × 1, 5 × 20, 20 × 3 = 60 और 60 × 2 = 120 यानी कि ये हो जाएगा 120। और ये डॉट 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 करके आप आगे जाएगा, मैंने यहीं पर छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैंने क्यों छोड़ा, अभी आपको क्लियर समझ में आएंगे। अब अच्छा इसको ऐड करते हैं, 2 और 3, 3 और 6 = 9, 9 और 4 = 13, ये आ गया 13। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास यूनिट डिजिट 0 आया ना, मैंने एडिशन करना ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद के जितने भी फैक्टोरियल्स हैं आप चेक कर लीजिएगा कि 6 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, 8 के फैक्टोरियल तक में और 100 फैक्टोरियल तक में भी जो है यूनिट डिजिट वो 0 आएगा, और 0 को किसी भी नंबर में जोड़ेंगे तो 0 ही आएगा। कि 3 यूनिट डिजिट को आप ऐड कीजिए, 0 को ऐड कीजिए, 3 + 0, 3 + 0, 3 + 0, आएगा तो 3 ही ना, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इतने बड़े से बड़े सवालों को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास समय बच सके, ठीक है। एक और सवाल लेते हैं, प्रथम 111, आप वहां देखने में शायद दिक्कत हो रहा है, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, इस प्रकार से सवाल आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। तो आप देखेंगे कि प्रथम 111 पूर्ण संख्या, क्या होता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 + 1 + 2 + 3, और ये ऐड होकर जाएगा आपका 110 तक, 111 तक नहीं जाना है क्योंकि पूर्ण संख्या की बात हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 को भी हमें काउंट करना पड़ेगा और हम जाएंगे 110 तक, तब हमारे पास पूर्ण संख्या 111 फुलफिल कर जाएंगे। अब इसको ऐड कीजिए, 0 को हटा दीजिए क्योंकि 0 को कहीं भी हम ऐड करेंगे तो वो उतना ही होगा। तो 1 से 100 तक हम ऐड करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। एन हमारे पास है 110, 110 इंटू 110 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 110 प्लस 111 डिवाइडेड बाय 2। अब जब इसको आप काटेंगे 2 × 2 और इसको आप काटेंगे तो 55 बार में आप कटेगा यानी ये आ जाएगा 55 × 111। तो देखिए यहां पर आने के बाद बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 55 को 111 में गुना करने लगते हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया यूनिट डिजिट, तो समय को बचाते हुए हम केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और तुरंत आंसर बता देंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 1 = 5, और यही आपका हो जाएगा आंसर और यही आपका ऑप्शन में भी रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और इस पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। अभी आप इसको अच्छे से समझिए और अपने नोटबुक में नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सात का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58। अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है कि पावर्स को 4 से डिवाइड करेंगे,
जो शेषफल बचेगा उसे हम इकाई अंक की पावर में लगा देंगे, और शेषफल अगर 0 बचेगा तो पावर इकाई अंक के पावर में हम 4 लगाएंगे। तो यहाँ पे आप पावर्स को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास शेषफल जो है वो 3 बचेगा। यहाँ पे आप पावर है 95, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास शेषफल जो है वो 3 बचेगा। दिखा देते हैं आपको, 4 3 12, बचा शेषफल 3, यानी 7 की पावर हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस 3 का पावर 58। अब 58 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2, यानी 3 की पावर 2। अब 7 का पावर 3, 7 का पावर 3 का मतलब होता है 7 × 7 × 7, सती सती 49, और इसका इकाई अंक उठा लीजिए और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 सती 63। 63 उसका भी इकाई अंक ही लेना है क्योंकि हमें यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो 63 का यूनिट डिजिट है 3, तो 3 ले लिए। माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। आप कहेंगे कि सर 9 में 3 चला जाएगा तो बचेगा -6, का यूनिट डिजिट माइनस में भी आएगा। तो जब कभी भी आपको माइनस में यूनिट डिजिट मिलता है तो आप नोट करके लिख लीजिए कि इकाई अंक ऋणात्मक आने पर 10 में से घटा देते हैं। अब माइनस का 6 है ना, तो 10 में आप -6 को घटा दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 4, यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा 4, और आपका सही आंसर भी होगा 4। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद करता हूं मैं कि क्लियर समझ में आए होंगे, और आप जो भी बुक बनाते हैं आप उस बुक से उठा करके देखिए। जितने भी तरह के मैंने अभी सवाल करवाए हैं उन सभी सवालों का जो है उसमें सारे निचोड़ लगा हुआ है कॉन्सेप्ट का, और आप बुक के सवालों को उठाइए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, और आप देखेंगे कि अधिकतर सवाल आपसे बन जा रहे हैं, और जो सवाल आपसे नहीं बन रहे हैं वो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।